सन 2022 लग चुका है। इस वैसे तो हर वर्ष ही करीबन 4 ग्रह लगते हैं, 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। कभी कभी होता है कि 5 से 6 ग्रहण होंगे, लेकिन इस वर्ष भी 2022 में 4 ग्रहण होंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। देखिए, पहला होगा चंद खंड ग्रास सूर्य ग्रहण, जो कि 30 अप्रैल शनिवार को होगा। फिर से डेट सुनिए, 30 अप्रैल शनिवार, लेकिन ये हमारे भारत में दृश्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा अमावस्या को लगता है, बाहर के देशों में लग रहा है, अपने भारत वर्ष में नहीं है, इसलिए इसका कोई सूतक भी भारत में नहीं लगेगा। देखिए, एक सूर्य ग्रहण तो हो गया 30 अप्रैल को, दूसरा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर जो कि मंगलवार को होगा। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या है, ये हमारे भारत में दृश्य है, दिखाई देगा। ग्रहण का समय होगा शाम 4:30 से 6:30। ये ग्रहण काल जो होगा 2 घंटे चलेगा। इसका सूतक जो होता है किसी भी ग्रहण का 12 घंटे पहले लगता है, जो कि सुबह 4:30 से ही 25 अक्टूबर को लग जाएगा। ये ग्रहण जो होगा कुछ राशियों पे शुभ होता है, कुछ पे अशुभ होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ इन बातों में ना पड़े आप, अपनी सोच अच्छी लगे। ये केवल एक खगोलीय घटना है, बस आप ये सोचिए कि इसमें सूर्य ग्रहण में क्या होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही अक्ष पर होते हैं। सूर्य को जब चंद्रमा थोड़ा ढक लेता है तो उसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये हो गया सूर्य ग्रहण। अब हम 2022 के दोनों चंद्र ग्रहणों की बात करेंगे। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही अक्ष पर होते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो इससे चंद्र ग्रहण पड़ता है। पहला चंद्र ग्रहण 16 मई सोमवार को होगा, जो कि समय होगा सुबह 7:02 से दोपहर 12 बजे तक, लेकिन ये भारत में दृश्य नहीं होगा, कोई सूतक नहीं लगेगा 16 मई वाले में। दूसरा चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार 8 नवंबर को होगा, समय होगा 2:32 से 6:32 तक, मतलब दोपहर में शुरू होगा और शाम तक रहेगा। सूतक ठीक 12 घंटे पहले लगेगा, यानी रात्रि में लग जाएगा 2:32 से। ये पूर्ण भारत में दृश्य होगा, इसलिए इसका पूरा हमने ध्यान रखना है। ये एक खगोलीय घटना है, बार बार मैं ये कह रही हूँ। ज्यादा आप पहले बोलते थे पुराने लोग ये करें वो करें, लेकिन दान निकालना फिर भी ठीक रहता है। ग्रहण से जब मुक्ति मिले तो उस समय हम नहाकर फिर थोड़ा बहुत दान जरूर निकालें, इस बहाने हाथ से दान हो जाता है कि हमारे जो चंद्रमा जी और सूर्य जी ग्रसित थे वो उससे मुक्त हो गए हैं। और ज्यादा बहमबाजी में नहीं पड़ना चाहिए है, हम जितना जिंदगी में अच्छी सोच रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतने ही हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।